स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ नई प्रॉब्लम्स को सीखेंगे कि अगर हमें किसी एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो जो कंडीशन हमें गिवन होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। तो देखिए, हमें क्वेश्चन है गिवन, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें एक एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करनी है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस और केसेस। पहला केस है इफ साइन थ्री ए, ये वाला जो इक्वेशन बच्चों हमें गिवन है, साइन थ्री ए इक्वल टू कॉस ए माइनस 26। इसमें हमें ये बताया है कि जो एंगल थ्री ए है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हिंदी में बोलेंगे बच्चों न्यून कोण, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एक सिचुएशन है जिसमें हमें सेक 4a को कॉसेक a माइनस 20 गिवन किया हुआ है। देखिए बच्चों, अगर मुझे कॉसेक a माइनस 20 को सेक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस a माइनस 20, ये समझ रहे हैं आप? दिस ये वाली जो सिचुएशन हमें मिलेगी, ये मिलेगी कॉसेक ए माइनस 20। कॉम्प्लीमेंट्री रूल अप्लाई किया हमने और ये मिल गया। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी यूज कर सकते हैं। अगर ये सेक 4a है तो हम इसको इजी सॉल्व करके लिख सकते हैं, दैट इज कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a। तो इस सिचुएशन में अगर हम कंडीशन को लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट केस के लिए, तो ये हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखिए मेथड को कैसे यूज करना है, क्लियर? सो सॉल्यूशन नंबर सेकंड गिवन इज सेक 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, क्लियर? इसको हम यूज कर रहे हैं इन एलएचएस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन एलएचएस कॉम्प्लीमेंट्री रूल इन एलएचएस बाय यूजिंग, ठीक है, ये इजी हो जाएगा, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रूल। देखिए, तो इस सिचुएशन से हमारे पास कंडीशन बनेगी कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, और यहां पे आप दिखा सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a, ये आपने यूज किया है, क्लियर? तो देखिए, हमारे पास इन आरएचएस एंड एलएचएस कॉसेक 90 कॉसेक के ही एंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एंगल को कंपेयर कर लेंगे। ये हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। तो यहां से a को कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। दिस रिजल्ट गिव्स यू 110 इक्वल टू 5a। तो a का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो हो जाएगा 110 अपॉन 5। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा a इक्वल टू 22। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये बस आपको फर्स्ट टाइम आपको जो मैंने बताया है इस वाली रूल को, ये आपको एवरी क्वेश्चंस के लिए नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर योर
लर्निंग मेथड इनिशियली बस आप इससे समझ रहे हैं कि एक्चुअली यूज क्या किया हमने, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो फर्स्टली हमें करना है। सॉल्यूशन नंबर वन, वी हैव साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, क्लियर। तो हम साइन 3a को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 20, क्लियर। नाउ इन बोथ साइड वी हैव वैल्यू ऑफ कॉस, तो हम क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग एंगल ऑफ कॉस, ठीक है, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26, क्लियर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 26 इक्वल टू a प्लस 4 a, दिस a प्लस 3a, ठीक, क्लियर। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 एंड 11, 116 इक्वल टू 4a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 116 अपॉन 4। जब आप इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 239, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 29 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके थैंक यू।